रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले लोग मूर्ख होते हैं, उनके टिप्पणी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने कहा श्री राम मंदिर का जल्द निर्माण कार्य पूरा होगा, साथ ही मथुरा में भी जल्द मंदिर बनेगा। आपको बता दें कि ये बातें नित्य गोपाल दास जी महाराज ने कही हैं। आपको बता दें कि शनिवार को झांसी आए राम जन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष महंत श्री 1008 नित्य गोपाल दास जी महाराज प्रसिद्ध धार्मिक स्थल झांसी कुंज बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां देर रात विश्राम करने के बाद रविवार को सुबह लक्ष्मी गेट बाहर स्थित ओम शांति नगर स्थित राकेश अग्रवाल और फिराजू के आवास पहुंचे, जहां समस्त ओम शांति नगर कॉलोनी वासियों और बबीना विधायक राजीव सिंह व उनकी पत्नी कमली टीडी महेंद्र सेन ने हार माला पहनाकर उनका स्वागत कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूर्व मंत्री रमेश शर्मा के आवास के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि श्री रामचरितमानस पर मूर्ख लोग टिप्पणी करते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि राम मंदिर अयोध्या का जल्द निर्माण कार्य पूरा होगा, साथ ही मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। इस दौरान तमाम लोग उपस्थित रहे। महेंद्र सेन भाई जब आज ओम शांति नगर में क्या कार्यक्रम था, कौन से महाराज जी आए थे? आज हम सभी ओम शांति नगर वासियों का परम सौभाग्य था कि अयोध्या आंदोलन के जनक और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महंत नृत्य गोपाल दास जी का आगमन हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी के निवास पर हुआ। हम सभी ने उनके दर्शन कर पाए, हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे महापुरुष ने आज हमारे क्षेत्र में अपना अवतरण किया। क्या क्या था पूरा कार्यक्रम? उनका सम्मान था महाराज जी का, सिर्फ महाराज जी के सम्मान के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया। आप लोगों ने आमंत्रित किया था? आमंत्रित थे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी और उनके परिवार के, राकेश अग्रवाल जी, पूरा परिवार उनका पुराना भक्त है। महाराज जी की कृपा उनके परिवार पर पहले से ही है, तो हम लोगों का समय दिया है। महाराज जी ने लगभग आधा घंटे का समय दिया, ये हम लोगों के लिए अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत समय दिया, हम लोगों की परम सौभाग्य का विषय है। झांसी से गोलू महाराज के साथ धीरज शिवहारे की रिपोर्ट।